नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ गया हूं दोबारा आपके पास में लेके एक जबरदस्त वैकेंसी जो कि निकल कर आ रही है इग्नू से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। डेली बेस की पोस्टिंग होने वाली है, सिर्फ 20 दिन है आपके पास में फॉर्म भरने के लिए। जबरदस्त वैकेंसी है मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ऑल ओवर इंडिया भी इसकी पोस्टिंग के चांसेस हैं। सो आज हम इस वीडियो में डिटेल में इस वैकेंसी पर बात करेंगे। क्या क्या हम बात करने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में, एज लिमिट के बारे में, एग्जाम प्रोसीजर के बारे में, आपका वर्क प्रोफाइल क्या होगा, जॉब लोकेशन क्या होगी, इन हैंड सैलरी क्या होगी, ये सब चीजें आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। पिछले बार ये वैकेंसी आई थी अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास सीट्स थी, सिर्फ और सिर्फ 60 से 70 हजार फॉर्म भरे गए थे। कंपटीशन बहुत कम होता है, जॉब दिलाने वाली वैकेंसी है। तो अगर आप एसएससी या बाकी किसी सिमिलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया मौका है। इसमें टाइपिंग मांगी गई, अगर टाइपिंग नहीं भी आती फिर भी फॉर्म जरूर भरना अगर फीस का जुगाड़ हो जाए तो, क्योंकि फीस थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन अगर आपने इस एग्जाम का फॉर्म भर दिया तो 6 से 8 महीने पूरा प्रोसेस खत्म होकर आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। ठीक है, आइए अब हम डिटेल में बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। और अगर आप मुझसे वैकेंसी के लिए जुड़े रहना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि आप इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो करें, क्योंकि कई बार वैकेंसीज के लिए डिटेल वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है, छोटी मोटी वैकेंसी रहती है, तो मैं फटाफट से इंस्टाग्राम पे आपको पोस्ट कर देता हूं। तो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो 1 दिसंबर से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और 21 दिसंबर तक आपके पास में डेट है। सो 20 दिन ही दिए गए हैं, सो फटाफट से डिले नहीं करना है, एंड तक नहीं रुकना, फटाफट से फॉर्म भरना है। और करेक्शन का भी आपको प्रावधान दिया गया है कि करेक्शन आप 22, 23, 24 और 25 तारीख को करवा सकते हैं। अब बात कर ले एग्जाम फीस के बारे में, तो यूआर और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 रुपए है फॉर्म फीस, थोड़ी सी ज्यादा है आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन दोस्त अगर कहीं से भी आप जुगाड़ कर सको इस फीस का तो ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी। और अगर एसएससी वगैरह की तैयारी करो तब तो आप एग्जाम में 4 चांद लगा दोगे, क्योंकि इसका मैं आगे सिलेबस पैटर्न भी और एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस करने वाला हूं, जो कि डिटेल में पीडीएफ में भी दिया हुआ है। बात करें एज लिमिट की तो जूनियर असिस्टेंट एंड टाइपिस्ट के लिए 18 से लेकर 27 साल एज लिमिट है। 21 दिसंबर 2023 के हिसाब से ये लोग आपका एज लिमिट चेक करने वाले कि इतने एज में आपका 18 प्लस एज होनी चाहिए और 27 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए फॉर यूआर कैटेगरी। अगर आप ओबीसी के लिए तो 3 साल एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एससी एसटी कैटेगरी है तो आपको 5 साल रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एंड सेम थिंग गोज फॉर स्टेनोग्राफर्स एज वेल। स्टेनोग्राफर्स के लिए यहाँ पे बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि एसएससी स्टेनो में आपको जहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेड सी के लिए 18 से लेकर 30 साल एज लिमिट है, यहां पर ग्रेड डी पोस्ट के लिए मतलब लेवल 4 के लिए आपको 30 इयर्स तक एज लिमिट मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 12th पास आपको रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है तो वो डिजायरेबल है और ज्यादा बढ़िया है, अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो वो और ज्यादा बढ़िया है, लेकिन आपको जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो बस 12th पास चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो टियर 1 और टियर 2 बस 2 स्टेज में इसका एग्जाम है। सिंपल पैटर्न है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। टियर 1 में आपको कुछ सब्जेक्ट्स आएंगे, 5 सेक्शन आएंगे, 30-30-30 मार्क्स के हर एक सेक्शन रहेंगे, वो मैं आगे बताने वाला हूं कि कौन सा सेक्शन कैसे क्या रहेगा। और टियर 2 में आपका होगा स्किल टेस्ट। अगर आप टाइपिस्ट JAT पोस्ट के लिए जा रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो वहां पे आपको टाइपिंग करनी होगी जो कि है 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए, दोनों में से कोई एक आपको चूज करना है। कोई भी एक अगर आप जानते हो तो हो सकता है, और नहीं भी जानते फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको सफिशियंट 3 से 4 महीने का टाइम मिल जाएगा जिसमें आप टाइपिंग भी सीख सकते हो। लेकिन शॉर्ट हैंड की बात करें, स्टेनोग्राफर्स के लिए बात करें तो स्टेनोग्राफर्स के लिए भी क्वालिफिकेशन यही सेम है। टियर 1 का एग्जाम होगा, आपकी एक मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर टियर 2 का आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में स्टेनोग्राफर्स को 80 वर्ड पर मिनट के लिए हिंदी एंड इंग्लिश, इन दोनों में से कोई भी एक अगर उन्हें शॉर्ट हैंड आती है सो वो इसे भर सकते हैं। अगर नहीं आती शॉर्ट हैंड तो अभी भी आप अभी तुरंत सीखना अगर स्टार्ट किए हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं सबसे आग्रह करूंगा कि जो भी आप बेसिक बैचेस में हो कहीं ना कहीं इसका फॉर्म जरूर भरना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कंपटीशन कम रहेगा क्योंकि एग्जाम फीस बहुत ज्यादा है, कई काफी कम बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं इसके लिए। ठीक है, और 20 दिन कब आएगी वैकेंसी, कब इसका फॉर्म निकल जाएगा बच्चों को पता भी नहीं चलने वाला है। ओके, अब बात करें एग्जाम सिलेबस की तो 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 30-30-30 मार्क्स के आपके पास में 5 सेक्शन है। पहला सेक्शन है मैथमेटिकल एबिलिटी, दूसरा सेक्शन है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, थर्ड सेक्शन है हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भी आपको एक चूज करना होगा एग्जाम स्टार्ट होते ही। ठीक है, आप अगर इंग्लिश की पढ़ाई करके गए तो इंग्लिश के लिए आपके 30 सवाल पूछे जाएंगे, हिंदी है तो हिंदी के आपके 30 सवाल पूछे जाएंगे। डिटेल में आगे सिलेबस आपको पीडीएफ में दे दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेक श्योर करें कि आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वहां पे इसका आपको पूरा का पूरा डिटेल पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, देन फोर्थ सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, जो करंट अफेयर्स वगैरह आपसे पूछे जाते हैं वो है, एंड फिफ्थ सेक्शन है कंप्यूटर नॉलेज, जो कि बेसिक कंप्यूटर के आपसे सवाल रहेंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है। और
यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो हम ये मान के चल रहे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है इस एग्जाम में, ठीक है। बाकी अगर किसी को पहले एग्जाम दिया है तो मेक श्योर कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दे कि इस एग्जाम का कैसा एक्सपीरियंस था आपका, ओके। अब बात करें इसके बाद में टीयर टू की, तो टीयर टू में भाई आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है और शॉर्ट हैंड टेस्ट होने वाला है, जिस भी एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। शॉर्ट हैंड में एक चीज ध्यान दीजिए कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डिक्टेशन नहीं आती है, नॉर्मल डिक्टेशन सी रहती है, जनरल मैटर जैसे हमारे क्लास में डेली प्रैक्टिस करते हैं। सो अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप हमारे किसी स्पीड बैच को आप ले सकते हैं, या फिर अगर आप बेसिक से शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो अभी कुछ समय के लिए हमने एडमिशन ओपन किया है, तो आप वहां पर भी एडमिशन लेके शॉर्ट हैंड बेसिक सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखें कि इसमें आपको पूरा डिटेल में सिलेबस दिया गया, मैथ्स में क्या पढ़ना है आपको और रीजनिंग में क्या पढ़ना है। अगर आप एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए आसानी से आप निकाल लोगे, और अगर स्टेनोग्राफर हो तो डोंट वरी, बहुत हाई लेवल की मैथ्स नहीं पूछेंगे, ट्वेल्थ लेवल की जो बेसिक मैथ्स रहती है वही आने वाली है। टीयर वन का एग्जाम होने के बाद में आपकी एक मेरिट लिस्ट निकलेगी, उस मेरिट लिस्ट में एक सीट के लिए 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, जैसे टोटल सीट अगर 100 है, 102 सीट्स मिला के 50-50 के आसपास कुछ वैकेंसी है, तो आपके लिए वहां पे अप्रोक्सीमेटली 1000 से भी ऊपर बच्चों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो वो स्किल टेस्ट आपको क्वालिफाइंग नेचर है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट जो बनेगी कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें अगर आपके मेरिट लिस्ट से जितने कट ऑफ है उससे ज्यादा नंबर है तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, ओके। और टीयर टू का जो टाइपिंग है, टाइपिंग आपको पता है कि आपको इतना कीवर्ड्स, इतना वर्ड परमिट की टाइपिंग स्पीड निकाल के दिखा देनी है, और स्टेनोग्राफर्स की जो मिस्टेक है वो मिस्टेक का क्राइटेरिया जितना कम से कम रहे मिस्टेक उतना अच्छा है, क्योंकि यहां पर कुछ ज्यादा मिस्टेक बताया नहीं है। सो मान के चल रहे कि मे बी शायद 5% हो, 10% अच्छी केस में हो सकता है, बट 5% मिस्टेक मे बी शायद अलाउड होगी, ओके। एग्जाम सेंटर की, तो देखिए इस वैकेंसी के लिए स्पेसिफिकली दिया गया है कि दिल्ली एनसीआर में ही एग्जाम सेंटर होगा, फर्स्ट एग्जाम जो सिटी आपको प्रेफरेंस चूज करना है वो दिल्ली एनसीआर होगा, मे बी शायद एग्जाम सेंटर 2 और 3 में आप कुछ और भर सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस एग्जाम का दिल्ली में ही होने वाला है, तो इससे ये भी आप समझ सकते हो कि पोस्टिंग के भी चांसेस ज्यादा ही आपके दिल्ली में चांसेस बहुत ज्यादा है पोस्टिंग के लिए, ठीक है। तो दिल्ली पोस्टिंग वालों के लिए थम्स अप, बेस्ट वैकेंसी है। चलिए तो ये था इस पूरे एग्जाम के बारे में, आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, जैसे जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की लेवल 2 की जॉब है, तो लेवल 2 की जॉब बहुत ही बढ़िया क्लेरिकल जॉब है, आपको वर्क प्रोफाइल में बता दो तो फील्ड में कोई ड्यूटी नहीं करनी है, बढ़िया 9 to 5 जॉब है, ऑफिस में जाके काम करना है, बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं होने वाला है, और सैलरी आपके महीने के एंड में जो अकाउंट में आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 30 से लेकर 32-35 हजार रुपए तक आपको जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग के लिए आने वाली है। और अगर आप स्टेनोग्राफर का एग्जाम क्वालिफाई करके सिलेक्शन ले जाते हो तो आपके अकाउंट में हर महीने के एंड में 40 से लेकर 45 हजार के आसपास सैलरी आएगी। सो ये पूरा था इनहैंड सैलरी के बारे में, आपको जॉब लोकेशन बता दिया मैंने, ऑल ओवर इंडिया भी है लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि दिल्ली में आपको पोस्टिंग मिले। सो ये था इस पूरे वैकेंसी के बारे में डिटेल्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए, मेक श्योर आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें कोई अन्य वैकेंसी के अपडेट्स तुरंत मिलने के लिए, और आप हमें टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें इस वीडियो के पीडीएफ के लिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।